शांति, उमंग का, उत्साह का, खुशियों का और रंगों का त्यौहार है होली, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हर वर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर हम सभी ये त्यौहार मनाते हैं और इस वर्ष भी हम सभी ये मनाएंगे, परंतु एक बहुत बड़ा डिफरेंस है होली के त्यौहार में और बाकी सभी त्यौहार में, है ना। हम सभी जानते हैं इसे, क्या कि जब होली का त्यौहार होता है तो हम एक दूसरे को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा रंगना चाहते हैं जो वो जो है वो दिखाई ही ना दे, लेकिन बाकी त्यौहारों में हम चाहते हैं कि हम और आकर्षक लगें। उसके लिए हम नए कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, परंतु इस त्यौहार में हम आकर्षक नहीं दिखाई देना चाहते। दूसरे त्योहारों में हम चाहते हैं कि हम सबसे अलग लगे, है ना, यही इच्छा होती है हर एक इंसान की, लेकिन यहाँ पर हम सभी एक जैसे नज़र आते हैं ना, अलग अलग रंगों में रंगे हुए नज़र आते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी सेलिब्रेशन है, ये भी सेलिब्रेशन है, दोनों सेलिब्रेशंस हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर त्यौहार अपने पीछे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य को संजोए हुए होता है और होली के पीछे भी बहुत ही गहरे, अति गोपनीय गुह्य राज समाये हैं। होली के त्यौहार पर जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिकली चार तरीके से हम होली मनाते हैं। पहले हम होलिका जलाते हैं रात को, नेक्स्ट डे जब हम होली का त्यौहार मनाना शुरू करते हैं, यानी फाग खेलते हैं, रंग लगाते हैं एक दूसरे को, उसके बाद हम सभी मंगल मिलन मनाते हैं, पकवान खाते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते हैं, गाते हैं, है ना, और इवनिंग के अंदर वैष्णव लोग जो हैं वो स्वांग रचते हैं, बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे देवी देवताओं की, है ना, बहुत सारे लोग जो है वो उनको पूरी तरह डेकोरेट करके लेकर जाते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि हम इन देवी देवताओं के यदि दर्शन करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो स्वांग सजाते हैं, तो जलाते भी हैं, है ना, रंग लगाते भी हैं, मंगल मिलन मनाते भी हैं और स्वांग सजाते भी हैं। तो चार तरीके से हम सभी ये त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव जो लगता है जब होली शब्द आता है वो है रंग लगाना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कहीं ऐसे होते हैं जिनको डर भी लगता है, परंतु यदि हम होली के आध्यात्मिक रहस्य को समझ जाएं, तो एक आध्यात्मिक रंग लगाना ये सभी को अच्छा लगेगा। कैसे? आज वही समझने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि स्थूल रूप में जब हम रंग लगाते हैं तो क्या होता है कि चारों तरफ जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो एक बहुत ही रंगीला सा, जिसे कहते हैं कि चारों ओर हर एक व्यक्ति का अस्तित्व ही उसे दिखाई नहीं देता, जब एक दूसरे को देखते हैं तो सब एक जैसे से नज़र आते हैं, तो ये जो समानता है, एक जैसे रंग लगने के बाद जो समानता है, ये हमें बताती है कि उस समान स्थिति का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। समानता यानी सब एक हैं, एकता, अखंडता, एकाग्रता, वो तब आती है जब रंग लगता है। वो कौन सा रंग है? ये स्थूल रंग तो एक दिन के रंग है, कुछ घंटों के रंग हैं, परंतु वो जो ईश्वरीय रंग है, परमात्मा के संग का जो रंग है, जब वो मनुष्य आत्मा को लगता है, क्योंकि परमात्मा का संग लगना यानी किसी के भी संग हम मिलते हैं ना, तो उसके गुण, उसकी शक्तियाँ,
वो हमारे अंदर समाने लगती हैं, उसका ज्ञान वो भी हम पाने लगते हैं। तो जब हम परम पिता परमात्मा के संग मिलते हैं तो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय ज्ञान वो हमारे भीतर समाने लगता है। इसे कहते हैं संग का रंग। और ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है? ईश्वरीय ज्ञान ये कहता है कि हम सभी ये देह नहीं है, हम सभी इस देह को चलाने वाली देही यानी आत्मा है। तो ये रंग, इसे कहते हैं ज्ञान का रंग। परमात्मा के गुण क्या है? वो सुखों का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये रंग जब लगने लगता है तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्यार, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता हमारे भीतर भी समाने लगती है। तो संग का रंग लगता है और एक को नहीं लगता। जब सब मिलकर उसको याद करते हैं तो सब में उसके गुण समाहित होने लगते हैं। और हर एक मनुष्य आत्मा बाह्य स्वरूप को भूलकर आत्मिक स्वरूप में और आत्मा के भी वास्तविक स्वरूप में वास्तविक गुणों के साथ जब एक दूसरे से मिलती है ना, इसे कहते हैं मंगल मिलन मनाना, तो एक दूसरे को भी वही रंग लगाती है। तो न केवल खुद को रंगना, अभी तो अपने संग से फिर दूसरों को भी रंगना है ना। जो ईश्वरीय गुण है वो एक्सचेंज करना, जैसे होता है ना कि हमें भी रंग लगाए, हम चाहते ये भी रंग जाए, ऐसा ही करते हैं ना होली के त्योहार पर, भाई ये कैसे बिना रंग के रह गया है। तो वो रंग तो बुरा लग सकता है, पर तो ये रंग हमारी बुराई को खत्म कर देता है, हमें अच्छा बना देता है। तो जब हम अपने अंदर का ज्ञान, आत्मिक स्मृति का ज्ञान, अपने अंदर के गुण, अंदर की शक्तियाँ अपने संग से दूसरे को देने लगते हैं, ये प्रसाद बांटने लगते हैं, तो हर एक मनुष्य आत्मा जो भी हमारे कांटेक्ट में आती है वो भी उमंग में आने लगती है। उसका भी मन करता है कि वो दूसरे को भी रंग लगा दे, तीसरे को भी रंग लगा दे, एक रंगीन माहौल बना दे, है ना। तो दुनिया में तो लोग भांग पीते हैं, दूसरे नशे करते हैं, है ना, कई लोग ऐसे काम भी करते हैं, लेकिन परमात्मा सिखाते हैं कि सबसे सर्वोत्तम है ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा, परमात्मा प्यार का नशा, जिस नशे में इतनी शक्ति है जो दैहिक नशे को, देह भान को, जो हमें अपनी पोस्ट का, पोजीशन का, बाह्य पावर्स का अभिमान, अहंकार आ जाता है, वो खत्म हो जाता है और हम ईश्वरीय नशा, उस स्वमान में टिक जाते हैं कि हम कौन हैं। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। क्या इससे बड़ा नशा चढ़ सकता है? मैं किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, या मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, या मेरी बड़ी ऊंची पोस्ट है, या मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा पति उस पोस्ट पर है ना, मैं खूबसूरत हूँ, ये नशे टेम्परेरी हैं, है ना। परंतु ये जो ईश्वरीय नशा है ये सदा काल का है। ये देह रहे ना रहे, परंतु मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, सृष्टि के रचयिता की संतान हूँ। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? खुद भगवान मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है और सखा भी है, शिक्षक भी है तो सतगुरु भी है, साजन भी है। जब ये स्मृति आती है कि मैं किसको बिलोंग करती हूँ,
कौन मेरे अंग संग रहता है, ये नशा जब मनुष्य आत्मा को चढ़ता है, तो ये उमंग, ये उत्साह, क्योंकि इसका बेस जो है वो खुद भगवान है, खुद पवित्रता का सागर हमें वो इतना पवित्र बना देता है। वहां पर तो दिखाते हैं कि होली के दिन सभी लोग रंग में रंग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि मैले हो जाते हैं, परंतु तो परमात्मा हमारे अंदर का मैलापन खत्म कर देता है। मैलापन, जो मैपन और मेरापन है, यही तो मैलापन है, इस मैलेपन को धो देता है। तो ईश्वरीय संग का रंग हमारी आइडेंटिटी को परिवर्तन कर देता है, एक ऐसी आइडेंटिटी बना देता है जिसमें न ऊंच है न नीच है, न वैर भावनाएं है, न ईर्ष्या है न द्वेष है, न कंपैरिजन है न कंपटीशन है, कोई भी बाह्य चीजों का अभिमान नहीं है, सभी समान में है, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। तब सच में हम एक दूसरे के साथ गले मिल सकते हैं, स्थूल में भी और अंदर से भी हमारे संस्कार मिल सकते हैं, आदतें मिल सकती हैं, क्योंकि वैसे तो देखें तो हर एक व्यक्ति का अपनी सोच है ना, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, अपने सोचने का ढंग है, अपने संस्कार हैं, अपना स्वभाव है, और इसी के कारण ही मतभेद हो जाता है, टकराव होता है, मनमुटाव होता है। ये जो अंतर है ना, ये हम सभी के भीतर जो है वो मतभेद का, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। परंतु जब समान हो जाते हैं सब, है ना, कि हम एक परमात्मा की संतान है, सभी वास्तविकता में सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हैं, जब ये भावना जागृत हो जाती है तो मिल जाते हैं। इसे कहते हैं संस्कारों का मिलना, है ना, भावनाओं का मिलना, इसे कहते हैं गले मिलना। तो वैसे स्थूल रूप में तो गले भले मिले, परंतु परमात्मा के गले का हार, परमात्मा का श्रृंगार हम तब बन पाते हैं जब मन का मन के से मिलता है। उसे मिलने के लिए कोई पूरा मिलाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा एज होता है जहां से वो एक दूसरे से मिले होते हैं, और मिलने के लिए बस इतना ही काफी है कि हम सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान है। तो ये जो भावना है, ये जो पवित्र भावना है, जो शुद्ध भावना है, ये होली के मायने को हमारे आंतरिक अंदर की सद्भावनाओं में परिवर्तन कर देती है। तो ये सेलिब्रेशन जिसे कहते हैं उमंग और उत्साह, उत्साह है ना, उत्साह कोई सामान्य चीज नहीं है, ऐसे एनर्जेटिक होना केवल इतना ही काफी नहीं है, परंतु एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्थिति है जिसमें आंतरिक अंदर की वृत्ति जो है बहुत ऊंची हो जाती है, जिसमें हम एक दूसरे को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने लगते हैं। कब देते हैं? जब हम खुद सकारात्मक हो जाते हैं, जब हमारा नजरिया सकारात्मक हो जाता है, जब नकारात्मकता के मायने सब खत्म हो जाते हैं। तो होली का त्योहार हमें बहुत ही खूबसूरती से आपस में कैसे मिलकर रहे, है ना, कैसे एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं की भावनाएं उत्पन्न करें, वो तरीका सिखाने आता है। बहुत ही वंडरफुल तरीके से हम ये त्योहार मनाते हैं, परंतु इसके लिए क्या जरूरी है? ऐसे हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, ऐसे परमात्मा की याद आ नहीं सकती, उसके लिए क्या जरूरी है? जो एक दिन पहले हम रिचुअल करते हैं, क्या करते हैं रात को, सभी करते हैं ना, होलिका दहन करते हैं, जलाते हैं। क्या जलाते हैं? तो लकड़ियां जलाते हैं, उपले जलाते हैं, और कई लोग क्या होता है पहले से ही अपने घर के पुराना जो होता है सामान
बाहर रखते हैं, उनको भी जलाते हैं। एक्चुअली पुरानी चीज़ों की बात नहीं है, बात है पुराने संस्कारों की, पुरानी आदतों की, जिन्हें हम पुरानी मानते नहीं हैं। हम कहते हैं ये मेरी आदत है, मेरा संस्कार है। क्या? गुस्सा करना, करते हैं सभी, पुरानी आदत है हम सबकी गुस्सा करने की। कई बार किसी को टीज करने की आदत होती है, टेंस रहने की और दूसरों को टेंशन देने की आदत होती है, पता ही नहीं चलता। क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, हर एक के अंदर मीन मेक निकालने की आदत होती है, होती है। ये आदतें ऐसा नहीं है केवल दूसरे को परेशान करती हैं, परंतु हम खुद भी कहीं ना कहीं इनसे ना परेशानी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब ये संस्कार इमर्ज होते हैं तब तब हमारे आपस संबंधों में विच्छेद होना शुरू हो जाता है, होता है ना। हम खुद भी चाहते हैं इन्हें निकालना, दूसरे भी चाहते हैं कि हमसे निकल जाएं। तो होली का त्यौहार, जब तक ये अंदर का एलॉय नहीं निकलता है ना, जो खोट है अंदर, कमी है, कमजोरियां हैं, पुरानी है, पराई भी है, ये भी समझने की बात है। केवल पुरानी नहीं है, पुरानी कहकर कई बार हम एक्सक्यूज हो जाते हैं कि पुरानी है ना, पुरानी आदत है ना, तो एक्सक्यूज हो जाता है, परंतु ये पराई है, मेरी नहीं है, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल स्वभाव में ऐसी नहीं है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर बहुत प्योर है, उसमें कोई कमियां नहीं है, क्योंकि वो खुद भगवान जो परफेक्ट है उसकी संतान है। तो जो इम्परफेक्शन आ गई है, जो डिफेक्ट्स आ गए हैं, जो मेरे नहीं है, ये एक्वायर्ड हैं, बाहर से लिए गए हैं। कहाँ से? जब कोई परिस्थिति आई, बच्चा पैदा होते गुस्सा थोड़ा ना करता है, जब कोई परिस्थिति आई, सिचुएशंस ऐसी बनी, ऐसे लोगों का संग मिला है ना, तो उसके अंदर धीरे धीरे दूसरों को देखकर, स्थितियों को देखकर वो चीज़ें आईं। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आईं, चीज़ों के कॉन्शियसनेस के कारण आईं। तो वो जो पराई चीज़ है, जो मेरी नहीं है वास्तविकता में, वो पर भाव यानी पराया भाव, वो परिस्थिति यानी पराई स्थिति, जब मेरी स्वस्थिति और स्वभाव पर हावी हो गए, है ना, तब ये सब कुछ हुआ। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने अंदर के इन पुराने स्वभावों का, संस्कारों का दहन करना है, संस्कारों का संस्कार करना है। वो कब होगा? किसी चीज़ को जलाना है, ख़त्म करना है, उसके लिए पावर चाहिए। कहाँ से आती है वो पावर? वो पावर आती है कहाँ से? पावर हाउस से। इसे कहते हैं योग अग्नि। जब आत्मा परमात्मा दोनों का कनेक्शन होता है, इसी को ही तपस्या कहते हैं। तपस्या यानी एक परमात्मा की याद में रहना, एकाग्रचित होकर रहना। और तब आत्मा में, जैसे कोई भी चीज़ फोकस होकर किसी पर पड़ती है, कोई भी एनर्जी कंसंट्रेट होकर किसी पर पड़ती है, तो फिर वो जादुई कार्य करती है, परिवर्तन करती है। तो ऐसे ही जब ईश्वरीय शक्तियाँ, हम जब फोकस होकर उसको याद करते हैं, वो हम आत्मा पर पड़ती हैं, तो हमारे अंदर के संस्कार भस्म हो जाते, परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। तो ये जो परिवर्तन होता है, आत्मा प्योर बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो ये जो प्योरिटी होती है ना अंदर की, यही उस प्योर परमात्मा को अट्रैक्ट करती है। और इस प्योरिटी के बेसिस पर हमारा दृष्टि भी, हमारी वृत्ति भी, हमारी कृति भी, हमारी स्मृति भी प्योर हो जाती है। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भावनाएं बदल जाती हैं। हमें एक दूसरे को बाह्य नज़रिए से नहीं, आंतरिक नज़रिए से, उनके ओरिजिनल स्वरूप से देखने लग जाते हैं। जब हमारे अंदर ये संस्कारों का परिवर्तन होता है,
तो अब तक तो अनेक वर्षों तक हमने इस प्रकार से होली को मनाया, जलाया, जिसके बारे में हम एक कहानी भी सुनते हैं कि इस दिन हिरण्यकश्यप ने जब अपनी बहन होलिका को कहा कि आप प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तो प्रह्लाद तो बच गया परंतु होलिका वो सदा के लिए खत्म हो गई, जल गई। तो वास्तविकता में हिरण्यकश्यप होलिका ये दैत्य वृत्ति का ही प्रतीक है, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो कहते हैं कि क्योंकि कश्यप उनके पिताजी का नाम था, है ना, और हिरण्य का मतलब होता है सोना, जो कि वैभवों का प्रतीक है, मेटेरियलिज्म का प्रतीक है। कश्यप यानी क्लोथ्स, है ना, एक तरह से जब हम क्लोथ्स ये धारण करते हैं क्या कि मैं कौन हूँ, मैं मेटेरियलिस्टिक या कहें ये फिजिकल वर्ल्ड के आधार से अपनी आइडेंटिटी को हम बना लेते हैं कि मैं ये हूँ, और अपनी झूठी आइडेंटिटी के अंदर हम खुद को इतना पावरफुल समझने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम शायद गॉड से भी ऊपर हो गए हैं। तो वो जो अभिमान है हिरण्यकश्यप का, अहंकार है, जो इंसान को फिजिकल वर्ल्ड में रहकर फिजिकल चीज़ों के कारण आ गया, उसी का प्रतीक है वो, है ना। और होलिका जो उसी की ही बहन है, वो भी उस होलिका का एक और नाम सिंघनी भी था। सिंघनी यानी वही दैत्य, फीमेल दैत्य। तो मेल और फीमेल दोनों में ये दैत्य वृत्ति आ गई है, और हम ये समझते हैं कि शायद हम इतने पावरफुल हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, है ना, हमारा ही अधिपत्य हो सकता है, हम जो चाहे वही हो सकता है। परंतु हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया इंसान की नहीं, अभी तो ईश्वर की रची हुई है। तो जब हम अपना कार्य करते करते मेटेरियलिज्म में इतने ज़्यादा लवलीन हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, तब हमारे अंदर की वो शक्ति जिसे हम प्रह्लाद कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को परमात्मा की स्मृति तो है, हम उसका दमन करने की सोचते हैं, जैसे दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप और होलिका प्रह्लाद को मारने की कोशिश करते हैं, परंतु क्योंकि साच को आँच नहीं आती है, तो वो जो हमारे अंदर की सत्यता है वो बरकरार रहती है। कब? जब हम परमात्मा को दिल से याद करते हैं, जो प्रह्लाद ने किया, यानी प्रह्लाद यानी परमात्मा की औलाद ने किया, जब हम अपने आप को ईश्वर की संतान समझते हैं, जब ये स्मृति उजागर होती है, तो ये बाह्य विस्मृतियां खत्म हो जाती हैं, हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप और होलिका का दहन हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो ईश्वर या कहीं ईश्वरीय स्मृति, इस विस्मृति की जो अलग अलग बाधाएं हैं, जो विषय विकार हैं, इनको खत्म कर देती है, जिसको यादगार के रूप में दिखाते हैं कि हम दिखाते हैं कि कोकी जल गई परंतु वो धागा नहीं जला। क्यों नहीं जला? देह जल सकती है, बाह्य मेटेरियलिस्टिक चीजें जल सकती हैं, क्योंकि वो फाइव एलिमेंट्स की बनी है, पांच तत्वों की बनी है, तो वो विलीन हो सकती है, परंतु आत्मा जो परमात्मा की संतान है, आत्मा के साथ जो स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जो गुण जुड़े हुए हैं, जो शक्तियां जुड़ी हुई हैं, वो खत्म नहीं हो सकती। तो उसी भावना के साथ, उस ओरिजिनल भावना के साथ हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलना है। तो होली मनाने के पीछे, जलाने के पीछे बहुत गहरे राज समाये हैं, और जब हम हमारे भीतर ये भावना इमर्ज होती है, तो परमात्मा के सारे गुण हमारे भीतर आ जाते हैं, जिसे कहते हैं दिव्य गुणों का धारण करना, जिसे कहते हैं दिव्य गुणों को स्वयं में धारण करना। तो जब ये दिव्यता जीवन में आ जाती है ना, इसे कहते हैं देवी देवताओं का आगमन, तो इस सृष्टि पर स्वर्ग स्थापित हो जाता है।
जहां प्रत्येक मनुष्य आत्मा में ईश्वरीय गुण है। तो हमें केवल झांकियों को झांकना नहीं है, उनको झांकने से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, परंतु अपने भीतर छिपे हुए दिव्य गुणों को देखना है, उनको इमर्ज करना है। और जब वो इमर्ज होंगे तो मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा जो आप जो चाहेंगे, क्योंकि मन में किसकी स्मृति है? परमात्मा की स्मृति है। तो आप जो चाहोगे उस शुद्ध मन से वो पूर्ण हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता। तो अंदर की ये शुद्धता, जिसे पवित्रता कहते हैं, जो सुख और शांति की जननी है, वो जननी इन सभी प्राप्तियों को स्वतः आपके समक्ष लेकर आ जाएगी, है ना। तो होली का जो ये सेलिब्रेशन है, इसको शॉर्ट में यदि हम समझें तो होली के तीन अर्थ हैं, बहुत ही खूबसूरत। पहला, होली इंग्लिश में कहते हैं HOLY, होली अर्थात पवित्रता। तो अपने भीतर पवित्र संस्कारों को इमर्ज करना, सभी करेंगे, ये प्रॉमिस खुद से करेंगे, है ना। परंतु उसके लिए क्या करना है? ईश्वरीय संग का रंग लगे, अपने अंदर ये प्योरिटी आ जाए, उससे पहले होली, होली सो होली, यानी जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएं। तो जब पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे ना, बीती को बीती करेंगे, बिंदी लगाएंगे, है ना, पुराने चीजों को जला देंगे, पुराने संस्कारों को, स्वभावों को भस्म कर देंगे, तो होली सो होली हो जाएगा। भीतर पवित्रता, सुख और शांति, ये संग ईश्वर का हमें लग जाएगा, ये रंग लग जाएगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड होली, मैं परमात्मा की होली, हम भगवान के होलिए। तो जब हम ईश्वर के हो जाते हैं, जब पवित्रता को जीवन में धारण कर लेते हैं ना, और जब बीती बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो जब हम इस प्रकार से होली मनाते हैं, तो हमारे जीवन की ये जो खुशियाँ हैं, उमंग उत्साह है, वो एक दिन के लिए नहीं है, अपितु हर दिन के लिए बरकरार हो जाती हैं। चलिए दो मिनट के लिए हम इस होली के त्यौहार को आध्यात्मिक रीति मनाते हैं, मनाएंगे सभी? चलो, मन को शांत करें, एकदम शांत। तन को हल्का करें और एकाग्र करें स्वयं को मस्तक के बीच चमकते हुए पवित्र स्वरूप पर, आत्मिक स्वरूप पर। मुझ आत्मा में बहुत जन्मों के पुराने संस्कार, पुरानी आदतें हैं, आज मैं होली के इस शुभ दिन पर अपने जीवन में नवीनता का आगाज करना चाहती हूँ। फील करें अपने बिल्कुल ऊपर शक्तियों का सूर्य, परम पिता परमात्मा, जिसका सानिध्य, जिसका साथ मेरे अंदर की शक्तियों को, गुणों को इमर्ज कर देता है,
मुझे मुझसे, मेरे अस्तित्व से मिला देता है। अनुभव करें, इस समय और कोई नहीं, एक परमपिता की याद और उसका साथ। इस याद की अग्नि में अंदर के पुराने संस्कारों को जला दें। आसुरियता की भावनाओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को, आलस को, अलबेलेपन को जला दे। हर मैलेपन को खत्म कर पवित्र बन जाए। मेरे अंदर का हिरण्यकश्यप होलिका दहन हो गई। पुरानी बातें, बीते हुए संस्कार सदा के लिए मिट गए। मेरे जहन से मिट गए। न अंश है न वंश है, एकदम पवित्र। महसूस करें इस पवित्र दृष्टिकोण को। मैं आत्मा शांत सुखी आनंद प्रेम पवित्रता से परिपूर्ण हूँ। ईश्वरीय संग के रंग में रंग जाए और महसूस करे मेरे चारों ओर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें भी ये सब गुण विराजमान है। अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मों से, वाणी से ईश्वरीय गुणों का दान करते जाएं। आंतरिक सद्भावना से सभी के प्रति सम्मान की भावनाएं उत्पन्न करते जाएं। ईश्वरीय रंग लगा दें हर एक को, मिटा दें हर भय, अंदर की कलह कलेश की भावनाएं। महसूस करें परमात्म पवित्रता का रंग सबको लग रहा है। यही संग का रंग है, यही वो मंगल मिलन है जो हम सबको दिव्य गुणों से सजा रहा है। एक दैवी युग का आगाज कर रहा है। अनुभव करें अपने भीतर दिव्य गुणों को। ओम शांति। तो इस बार हम होली को इस आध्यात्मिक रीति से मनाएंगे। एक ऐसी रीति, एक ऐसी रसम जो हमारे भीतर की सारी दैहिक और विकारी वृत्तियों को खत्म कर देगी। और एक दिन का नहीं अपितु
हर दिन का उमंग उत्साह खुशियाँ सबकी बरकरार रहेंगी। तो आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत होली की शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। ओम शांति।